आज की हेडलाइन पर भाजपा के विधायक ने दिया विवादित बयान, बोले मायावती खुद को जवान साबित करती है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 आतंकवादियों की से जुड़ी 1.22 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कड़ी कार्रवाई। केरल के इस मंदिर में रंग की बोतलें चढ़ाकर की जाती है पूजा। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के विधायक ने दिया विवादित बयान, बोले मायावती खुद को जवान साबित करती है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस दौरान राजनीतिक की बयानबाजी शुरू हो गई है। अपने अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जैसे कि लगता है उनकी जुबा फिसल गई है। हाल ही में केंद्र मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने राहुल गांधी को निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू की पप्पी आ गई है और अब कुछ उसी अंदाज यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र ने कहा, मायावती खुद फेशियल करती है, वो क्या हमारे नेताओं को शौकीन कहेंगी? बाल पका हुआ है और बालों को रंगीन करने के बाद मायावती जी खुद को जवान साबित करती है। 60 वर्षों की उम्र होगी लेकिन सब बाल काले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम मोदी स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, इसमें शौकीन वाली बात क्या है? पीएम स्वच्छ कपड़े पहनने की आदत रही है। अब ऐसे में अगर उन्हें कोई कुछ कहता है तो वो उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7 आतंकवादियों से जुड़ी 1.22 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। भारत आतंकी फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के चलते प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों से जुड़ी 13 संपत्तियों के कुर्क कर लिया है। बता दें कि ये सारी संपत्ति जम्मू कश्मीर में स्थगित है। इनमें से मोहम्मद सफी शाह की संपत्ति शामिल है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की पनाह में पलने वाला संगठन है जिसका सरगना आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन है। अनोखा मंदिर, केरल के इस मंदिर में रंग की बोतलें चढ़ाकर की जाती है दुर्योधन की पूजा। हालांकि वीडियो से हम सभी दुर्योधन के बारे में जो जानते सुनते आ रहे हैं वह उनकी नकारात्मक छवि को दर्शाता है, लेकिन केरल में कुछ लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। अनूठे अंदाज में केरल में दुर्योधन को समर्पित यह मंदिर कोल्लम जिले के इलाकड़ में है, जो दक्षिण भारत में कोल्लम के प्रमुख दुर्योधन का एकमात्र मंदिर है जहां उन्हें शराब पिलाई जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि दुर्योधन एक बार इस गांव में पहुंचा था, तब वह बहुत प्यासा था। वह एक घर में गया और वह पानी की ही मांग कर रहा था, जिस पर उसने ताड़ी दिया। उसे इसका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आया। यहाँ के लोग इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन को शराब अर्पित करते हैं। उनकी मान्यता की ऐसा करने से उनकी आराध्य पूरी तरह से सफल की जाती है। इसी बात से उन्हें शराब की बोतलें चढ़ाई जाती है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।